विदिशा जिले के गंज बसोदा में शासकीय गलियों में अवैध कब्जे से परेशान वार्ड निवासियों ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि एक और दो क्रमांक के वार्ड नई बस्ती के नागरिक ने एसडीएम के नाम तहसीलदार संदीप जायसवाल को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि वार्डवासियों के लिए रास्ता होने से आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्टेशन बाउंड्री के बीच भी पुरानी गली है, जिसके लेकर खारकुआ से स्टेशन रोड जाने के लिए स्वर्गीय दामोदर दास गुप्ता के बाड़े और ग्लेस बिल्डिंग के बीच में खारकुआ तक सीधी गली है, जिसपे प्रभावित लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है। अतिक्रमण के लिए आप ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि रेलवे ने अपनी बाउंड्री वाल कवर्ड कर दी है। वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर दो के निवासियों के लिए निकलने की कोई जगह नहीं बची है मेन रोड पे आने के लिए, और पूरे लगभग 4000 लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बाउंड्री के बगल से रोड तक आने के लिए रास्ता है, लेकिन वो अतिक्रमणकारियों ने घेर रखी है। इसके लिए क्या आपने उच्च अधिकारियों से बात की अभी तक? बात की, पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं और अभी भी ज्ञापन दिया है। अब इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो वार्ड नंबर एक दो और तीन के निवासी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। राजनीति कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ भी जारी कर दिए गए हैं, उसके बाद भी कोई सड़क पर लेटिंग बना रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं नहीं बिल्कुल होता है, लेकिन अभी तो क्या है कि ये वार्ड नंबर एक और दो की समस्या है जो कि विकराल रूप ले चुकी है। कोई मरीज बीमार हो जाता है या आगजनी हो जाती है वार्ड में, तो ना फायर ब्रिगेड जा पाएगी ना एम्बुलेंस जा पाएगी, एक ऑटो भी नहीं जा पाएगी। सुनवाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या रहेगा? अब सुनवाई नहीं होती है तो फिर वार्ड नंबर एक और दो के निवासी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन के सामने जो रेलवे बाउंड्री है, उसके बाद कुछ लोग आए थे वार्ड नंबर एक और दो के, और उनका कहना है कि वहाँ पर रेलवे बाउंड्री से लग करके कोई पहले रास्ता था, जिस पे वहीं के लोगों निवासियों ने किसी ने छज्जे किसी ने बाथरूम वगैरह बना करके बना लिया है, और उसमें उनके द्वारा नगर मतलब अतिक्रमण कर दिया, जिससे रास्ता बाधित हो गया, जिसके संबंध में उनके द्वारा नगर पालिका को दो बार पूर्व में भी आवेदन दिया गया, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि नगर पालिका को अपने क्षेत्र पर ही नगर पालिका है अपने जो उनके रास्ते हैं उससे अतिक्रमण हटाने की पूर्ण अधिकारिता है। उनका ज्ञापन है, मैं भी अभी पत्र के माध्यम से कलेक्टर महोदय को और एसडीएम महोदय को और सीएमओ को लिख रहा हूँ, जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर